मैंने झूठ क्यों बोला, मैंने गीबत क्यों की, मैंने चुगली क्यों की। उस वक्त उस बंदे को ख्याल आता है मैंने दाढ़ी क्यों नहीं छोड़ दी थी। उस वक्त उस बंदे को ख्याल आता है मैंने सुन्नतों की पैरवी क्यों नहीं की थी। उस वक्त उस बंदे को ख्याल आता है कि मैंने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी। उस वक्त उस बंदे को ख्याल आता है कि मैंने रमजान के महीने में रोजे क्यों नहीं रखे थे। उस वक्त उस बंदे को ख्याल आता है कि अल्लाह ने मुझे दौलत दी थी तो मैंने ज़कात अदा क्यों नहीं की। उस वक्त उस बंदे को ख्याल आता है कि मैंने हज क्यों नहीं किया। उस वक्त उस बंदे को ख्याल आता है कि मैंने अब तक तौबा क्यों नहीं कर लिया था। उस वक्त उस बंदे को ख्याल आता है कि मैंने अल्लाह उसके रसूल को नाराज क्यों किया। यकीन जाने अल्लाह की कसम, उस वक्त अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, उस वक्त हाथ मलने से कुछ नहीं होगा, उस वक्त रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कि तौबा तो उस वक्त कबूल होती है कि जब बंदा पहले ही तौबा कर ले। अब मौत के फरिश्ते को देखकर तो कारून भी जो है रब को याद करने लगा था, लेकिन उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होगी अल्लाहु अकबर। इसलिए अल्लाह ने आज जिंदगी दी है तो मलकुल मौत को देखने से पहले तौबा कर ले अल्लाह की कसम, वरना उस वक्त ऐसा पछतावा होगा। उस वक्त आप सोचेंगे आज कहां मेरी बीवी है जिनके लिए मैंने गुनाह किए थे, आज कहां मेरे बेटे हैं जिनके लिए मैंने गुनाह किए थे, आज कहां मेरे बेटे हैं जिनके ऐशो आराम के लिए, ऐशो इशरत के लिए मैंने हलाल और हराम की तमीज किए बगैर मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। आज कहां है वो एसी, कहां है वो कूलर, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे राहत क्यों नहीं मिल रही है। अल्लाह की कसम, उस वक्त जो है जो बगैर तौबा के मरता है उसको राहत नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। और जो बंदा तौबा करके जाता है, आपने बहुतों को देखा होगा जो बंदा तौबा करके इस दुनिया से जाता है, अल्लाह की कसम चेहरे में ऐसी मुस्कुराहट होती है कि